सलामुअलैकुम भाइयों बहनों और मेरे अजीज हमवतनों, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपको अगर नहीं पता तो आज हम इस वक्त एम्पोरियम मॉल में हैं, जहाँ उन्होंने बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत लाइटें लगाई हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। और जैसे जैसे ही रोज़ा खुलने का वक्त आ रहा है, आवाम यहाँ से गायब होती हुई फूड कोर्ट की जाने बढ़ती हुई यहाँ से जा चुकी है। नीचे से सारा रश खत्म हो गया है। माता लगाइए सॉन्ग लेफ्ट ही आपकी बंद है, राइट से आप देखेंगे इसमें जहाँ देखना आपको क्लियर है क्लियर है थोड़ा सा ब्लर। लास्ट लाइन छोड़ दें, मिडिल लाइन पढ़िए। 5 3 4 5 ओके अब भी अच्छा है। कंफर्टेबल रिलैक्स हैं, एनी प्रेशर जी? इसमें एक नजर देख रहे हैं, फिर उतार रही मैं ये लगा रहा हूँ, दोनों में कंपेयर करें किसमें अच्छा है, बता रही है किसमें अच्छा, अपनी ग्लासेस में केस में उसमें शायद थोड़ा सा कंफर्टेबल था। किस पे स्ट्रेस आ रहा है? थोड़ा सा एक इसमें रिलैक्स है। हां जी इसमें रिलैक्स है, इसमें मुझे पड़ा भी जा रहा है, लात में पड़ी जा रहा है। गुड मॉर्निंग दी अवेश जी। अवेश कौन से ड्रामे का ओएसटी था यार? मन ये मुझे लगता है कुछ जिसने ये डिजाइन किया ना ये वाला, ये प्यारे दिल का बहुत बड़ा कुछ है। और क्या भी ड्रामा था, मैं कहता हूँ क्या मजा आता था ड्रामा देखने वाला यार। लिटरली मैंने वहाँ से ड्रामे देखना शुरू किए थे पाकिस्तानी, मगर उस तरह का ड्रामा फिर नहीं मिला। प्यारे दिल जो ड्रामा था ना यार, नेक्स्ट लेवल। आगा जान की क्या बातें थी, वाह याद आ गया मुझे, सोच के मुझे फिर रोना आ गया। उस इंटेंस ड्रामा था, आपने जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखें। और वो सरीना होटल में आई थिंक वो शूट हुआ है और वो बेस्ट ड्रामा था। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, रोज़ों के दिन है, अभी ना देखेगा रोज़ों के बाद देखेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने घर वापस और तारी करते हैं। हमने अपनी ग्लासेस चेक करा ली हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेज हैं। एक्चुअली मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा। नहीं जी, वो हमारा भाई एक दोस्त है, वो मिल गया था। हम आज इंशाल्लाह जाएंगे तरावियों के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपका शेयर करेंगे। ऐसे मेरे हेडेक हो रहे हैं पीछे, मैं शायद ना जा पाऊँ मगर मैं आपका शेयर करूँगा। तो बाकी हम घर चलते हैं, ऑलरेडी हम 6:15 हो गए हैं, रोज़ा खुलने वाला भी है। मैं ये बताना तो भूल ही गया कि मैं आई साइड चेक क्यों कराने गया था। अगर कुछ दिन पहले ना हम लोग क्रिकेट खेले थे, मैंने शायद एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था, उस दिन मुझे दोस्त की कॉल आ रही थी कि आ रहा हो क्रिकेट खेले। उसी दिन का वाक्य है कि हम लोग क्रिकेट खेले थे लाइक 4-5 दिन पहले। तो जब हम क्रिकेट खेले तो मैं अपने फ़ोन में लगा हुआ था, मेरा ध्यान नहीं था उधर। तो उसने अचानक से शॉट खेला और वो बॉल जो है ना डायरेक्ट मुझे, सिर्फ वो एक वाइट कुछ नज़र आया है
और उसके बाद 30 सेकंड ना मुझे कुछ नजर नहीं आया, लाइक उसके बाद मैं ब्लैकआउट हो गया था एक तरह का, और वो डायरेक्ट बॉल मेरे आई बॉल के अंदर जाके लगनी थी। शुक्र है मैंने ग्लासेस पहनी हुई थी, तो वरना आपका भाई नॉकआउट हो चुका था, तो वो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने बचा लिया। ये यहाँ पे इसके नीचे अभी भी निशान है, अगर कैमरे में दिखा सकें, वो उस वक्त उसी वक्त हमने उसको आइसिंग की वहाँ पे, कोई स्वेलिंग ना हो जाए, कोई ब्लैक आए ना हो जाए, तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने आँख बचा ली, और आज आपका भाई आपके सामने सही सलामत लगा फिर रहे। और ये मेरे माँ बाप की दुआ है। तो जब हम घर की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे लिए अपने दुआओं में हमें याद जरूर रखिएगा, और इन रमज़ान के इस बबरकत मौके पर अपने भाई अवैस को तहे दिल से, जो मैं कोई गलत बात कर जाता हूँ ऑन रिकॉर्ड या ऑन वीडियो, उसके लिए भी माफ़ी दे दें, और आने वाले वक्त में भी थोड़ी थोड़ी मुझे माफ़ी देते रहा कीजिएगा, क्योंकि गलती इंसान से होती रहती है। और अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ भाइयों, अल्लाह हाफिज़ बहनों, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़ सारे, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। मैं तो कल दे दो।